ईवीएम में ये कमी है, अगर से बटन दबाओ किसी पर और जाता है दूसरे पर, बीजेपी पर और जाएगा। वैलिड पेपर या ईवीएम चाहे जवन करे हमें कोनो फर्क पड़े वाला ना है। अच्छा, कोई फर्क नहीं, सरकार कोनो बने जो सब सुविधा दे वही हम दे। अब बीजेपी वाले बोलते हैं चुनाव न होने के पहले कि मैं 80 सीट जीत के आ रहा हूँ, उन्हें कैसे पता कि 80 जीत रहा हूँ? चुनाव बैलेट पेपर से हो अब गवर्नमेंट तो 100% चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी। अब बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है नहीं, जनता जान चुकी। बैलेट पेपर पे होगा तो बढ़िया रहेगा, हम लोग जिसकी सरकार चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी जी। तो जापान की एमबीएन बनी हुई यहाँ आई, लेकिन जापान में खून नहीं हो रहा है, वहाँ बैलेट पेपर होता है। सर, चुनाव ईवीएम से या बैलेट से? किसी से भी हो, क्या दिक्कत है? ईवीएम हो चाहे बैलेट हो जी, हमको कोई प्रॉब्लम। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कटवार में। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जनता में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। लोग ये सोच रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि इस बार ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव कराया जाए। चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर में धरना भी चालू है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा, और यहाँ पे तमाम लोग हैं। अभी उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मत है, तमाम सवालों पर उनसे बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? विनय कुमार यादव। इस बार क्या कराएंगे, बैलेट से या ईवीएम से? नहीं, बैलेट से होना तो ठीक है, बैलेट से। ईवीएम में क्या कमी है? ईवीएम में कमी है कि कहीं 10 वोट बराबर पड़ रहे हैं, उसके बाद 10-10-20 लगातार अरे दूसरी पड़ जा रही है एक ही, ये क्या मतलब है? अच्छा, मतलब आप लोग वोट देते कहीं और है, जाता बीजेपी कमल पे है। हाँ, ऐसा आपका कहना है। हाँ, तो इस बार ईवीएम से नहीं बैलेट से चुनाव कराएंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पे बीजेपी की सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं? विशेष सुविधा कोई नहीं, कागज पर ज्यादा दौड़ रहा है, हम देख रहे हैं प्रधान खा पी कर बैठ जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कागज पे देखने को मिल रहा है, कागज पर, बाकी मिल नहीं पा रहा है, नहीं मिल रहा है। चलिए, फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा जी हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अगर वोट हम कहीं और करते हैं तो ये जाता बीजेपी पर है। फिलहाल ये ऐसा अफवाह आप सुन भी रहे होंगे, तमाम लोग हैं और भी कुछ लोग जानने से प्रयास करते हैं। ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका? राजू। राजू, इस बार क्या कहेंगे, किसकी सरकार? भाई, ईवीएम का भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। ईवीएम का भरोसा नहीं, बैलेट पेपर जी। तो बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे जी? ईवीएम में क्या कमी है भैया? ईवीएम में ये कमी है, अगर से बटन दबाओ किसी पर और जाता है दूसरे पर, बीजेपी पर और जाएगा, यही कमी है। तो बैलेट पेपर पे भी ऐसा हो सकता है कि आप वोट डाल कर चले गए, दूसरा कोई मोहर ठप्पा डाल डाल के वोट डाल देगा, तो उसमें भी दिक्कत होगा? नहीं भाई, ऐसे कैसे हो पाएगा, तब तो हर जगह विश्वास ही खत्म हो जाएगा ऐसा होगा तो। तो इस बार बैलेट से चुनाव जी। किसकी सरकार बनेगी अभी भाई, वो तो आगे वोट होगा उसके बाद पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी, मगर होना चाहिए बैलेट पेपर पर। चलिए, फिलहाल ये जनता ओपिनियन है और जनता अपनी ओपिनियन कहीं ना कहीं लगातार वैलिड चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रही है। और ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा लग रहा है, क्या सच है? हाँ, सही है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सावन कुमार है। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव कैसे होना चाहिए? चुनाव देखिए, मतलब बैलेट पेपर पर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, बैलेट पेपर जी, पर ईवीएम से कोई दिक्कत है? से बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आप खुद ही मतलब सबसे पूछ रहे होंगे, सबका मतलब 100 में 70% लोग यही कह रहे होंगे बैलेट पेपर पे हो जी, ठीक है। और बैलेट पेपर पे होगा तो बढ़िया रहेगा, हम लोग जिसकी सरकार चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी जी। जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गढ़ कहते हैं किसकी है, बीजेपी या बसपा या सपा? देखिए, ऐसे तो कहने को तो सभी लोग कुछ भी कहते हैं जी, लेकिन मतलब अब जो जिसको मतलब जिसमें रुचि रखना चाहता चाहे, बहुत लोग हैं इसमें से, काफ़ी लोग बीजेपी को होंगे, काफ़ी लोग बसपा को वोट देते होंगे, काफ़ी लोग कांग्रेस को देंगे। आप किसको समर्थन करते हैं? हम तो देंगे वोट तो बहुत पीछे है जी। जी, तो आपको इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, वो तो मतलब अब देखिए टाइम बताएगा जी। बैलेट से चुना? बैलेट से।
चलिए फिलहाल ये जनता ओपिनियन है और जनता भी अपनी राय कहीं ना कहीं लगातार दे रही है कि इस बार कहीं ना कहीं बैलेट से चुनाव कराया जाए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा लग रहा है ये कितना सच्चाई है क्या है ये जनता है, अब जनता ही कहीं ना कहीं इसका फैसला और निर्णय भी लेगी। भैया ये चाय वाले हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष यादव जी, चाय पान का आप दुकान चलाते हैं, क्या महंगाई से कितना परेशान है या नहीं? महंगाई जो दुनिया संगे बीते हुए हैं, मतलब संगे बीते, तो क्या कहें, कौन टेंशन बा है। इस बार चुनाव कैसे होना चाहिए? चुनाव जैसे हो तो ऐसे हो, जो दुनिया मंजूर हुआ है मऊ मंजूर बा है, तो बैलेट पेपर या ईवीएम चाहे जवन करे हमें कोनो फर्क पड़े वाला ना है। कोई फर्क नहीं, सरकार कौनो बने जो सब सुविधा दे वही मऊ दे। चलिए फिलहाल सरकार चाहे जो भी बने, जो सुविधा सबको मिलेगी वही इनको भी मिलेगी। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। आखिर जनता का ओपिनियन जो पोल होता है वो मायने रखता है और तमाम लोग अपनी अपनी बातों को कहीं ना कहीं लगातार रख रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब चंद यादव है। गुलाब चंद यादव जी, ये बताइए इस बार चुनाव क्या माहौल है, यहाँ पे किसका गढ़ है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अभी क्लियर नहीं है किसकी बनेगी। फिलहाल जो बीजेपी वाले इतना पीट पीट के चिल्ला रहे हैं कि 80, इस बार ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। जनता जो है ना जान चुकी है जी। जैसे आप झूठ बोलोगे एक बार दो बार, 75,000, 1,00,000, 10,00,000, 15,000, 500, 1,000, 500 पे आके खत्म हो जाते हैं बीजेपी वाले, कि 500 के नीचे फिर 200 नहीं देने वाले हैं न 100। जो 100 और 200 देता है वो काफी लोगों को देता है और उसी गवर्नमेंट बनती है जी। ये तो बोले 75,000 दे रहे हैं, 1,00,000 दे रहे हैं, काला धन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हुआ कुछ? कुछ भी नहीं। राम मंदिर तो बना दिए ना? राम मंदिर ये नहीं बनाए हैं, वो हाई कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ, हाई कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जी। या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जी। तो जो आदेश हो गया तो उस पर तो बनना था, ये थे ये बनवाते, जिसकी गवर्नमेंट होती वो बनवाते, न कि ये कहे कि हम अलग। क्या करें भैया? अखिलेश का सरकार रहता तो भी बनता, और अभी वो तो हाई कोर्ट का फैसला है, जिसका सरकार रहेगा उसी का बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला था तो बना। और ये देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है, हम राम को ला रहे हैं जी। राम को कोई ला नहीं सकता धरती पे, धरती पे राम हम लोगों को लाते हैं जी, हम लोग राम को नहीं ला सकते। एक नारा था ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई, राम को कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ कि राम को लाएगा, वो मुद्दा बनाते हैं मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुस्लिम का, ये सब मुद्दा बना के अपना काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं जी। तो जनता के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए राजा को, जैसे योगी जी हैं और प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो लोग देश के राजा हैं। राजा को एक समान देखना चाहिए और एक समान कार्य भी करना चाहिए। आज भी जाओ, अगर कोई गरीब जाता है या बसपा हो या सपा का, उसका काम नहीं करने वाले हैं। अगर भाजपा का है तो काम हो जाए, पार्टी लेवल पे काम नहीं करना चाहिए। अगर आप जीत गए चुनाव तो सबके हो गए जी। धरती पे जितनी भी जनता है, जनता पशु तक ले लीजिए, वो सबके मालिक बन जाते हैं। तो बीजेपी से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? एक भी प्रतिशत संतुष्ट नहीं है। नहीं है एक भी प्रतिशत? तो क्या चाहते हैं इस बार चुनाव कैसे होगा? चुनाव बैलेट पेपर से हो और गवर्नमेंट तो 100% चेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी? 100% चेंज हो जाएगी। अब बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है नहीं? अच्छा। जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है, एक बार दो बार तीन बार जनता जान चुकी कि कितना आप झूठ बोल सकते हो। झूठ का पर्दाफाश भी हो चुका। चार शंकराचार्य लोग, वो लोग महात्मा हैं, वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर में धरना चालू है, लगातार कहा जा रहा है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जी, वो लोग धरना प्रदर्शन किए जी। हम लोग तो कुछ नहीं, आम जनता है जी। हम लोग की आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, मगर फिर भी बैलेट पेपर से चुनाव हो, हम अगर मोहर मार दिए तुम्हारा पक्का हो गया कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उसमें बटन दबती है, बटन पे क्या भरोसा, बटन कहाँ से कहाँ जा रही है, किसका तार जुड़ा है, कहाँ जा रही है, कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं बटन दबाओ कहीं और तो जाता कहीं और, कुछ न कुछ होता होगा तभी, जहाँ कुछ कहीं से कुछ बात निकलती है उसमें कुछ सत्यता होती है।
कुछ न कुछ होता है कहीं से जाके बीजेपी की सरकार बनती है। कहीं से कुछ भी रहेगा अगर कोई बात बोलता है तो कुछ न कुछ उसमें सच्चाई रहती है, जैसे 1% से लेकर कुछ % तक रहती है। जब बात निकल रही है, शुरू से ही निकल रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, तो कुछ न कुछ उसमें है। तो ईवीएम से आप लोग संतुष्ट नहीं है, बैलेट पेपर से संतुष्ट है? संतुष्ट है। बैलेट पेपर पे जैसे हम मोहर मार दिए उस पे अगर दूसरा मोहर मारेंगे तो वोट किसी की नहीं होगी, खराब हो जाएगी वोट। और एक बार मोहर मार दी तो क्लियर हो गया वोट हमारी, नहीं अगर दूसरा मोहर मारेंगे तो किसी की भी नहीं रहेगी। अब बटन वाला सिस्टम जो है वो समझ के बाहर है जी। कभी कभी मोबाइल भी काफी दिन को हो जाता है तो दबाओ एक बटन तो पूरा घनघनाने लगता है, हैंग करने लगता है। हमको तो ऐसा ही लगता है कि जितना ईवीएम से चुनाव होता है वो सब एक बटन दबाओ तो हैंग करते रहता है पूरे मशीन जी। तो ईवीएम से आप लोग असंतुष्ट हैं? हाँ, ईवीएम से चुनाव, बैलेट से चुनाव। चलिए फिलहाल ये जनता की राय है, जनता का ओपिनियन पोल है। चाचा ये बताइए क्या इस बार चुनाव कैसे होगा? अरे भाई चुनाव जैसे होगा पहले जैसे होता था, एम्बियन तो आज आई है ना, और ये जापान की एम्बियन बनी हुई यहाँ आई, लेकिन जापान में खुल नहीं हो रहा है, वहाँ बैलेट पेपर्स होता है। तुम्हारे कहने का मतलब जब जनता चिल्ला रही है, हर दल चिल्ला रहा है कि नहीं एम्बियन हटाओ, तो उसको हटा के बैलेट पेपर से कराओ, जिसके नसीब में जो होगा वो जीत के आएगा। आप कैसे दे भाई? अरे ले बैलेट पेपर देगा कि बटन? जब बैलेट पेपर आए बैलेट पेपर दे। हाँ वो तो हर जनता देगी ना। अच्छा साहब मोदी जी का सिस्टम जो मिला था आपके, एक नया राशन पानी मिला था? अरे राशन क्या, हमारे घर खुदी खेती बाड़ी है, हमको क्या राशन पे हम मर रहे हैं? राशन नहीं मिलेगा तो हमें कोई जरूरत नहीं। अरे इतना बढ़िया सुविधा बांटे, 5 किलो राशन, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि। अरे वो छोड़ो वो सब, किसान सम्मान निधि उससे ज्यादा तो गोरु बछरू चर जा रहे हैं साला खेत में रखवाली करते करते। जाके देखिए खेत में कितना पशु चर रहे हैं गेहूँ। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार चाहे जिसकी बनेगी कोई गारंटी नहीं है, ये तो जनता थोड़ी बताएगी किसकी बनेगी, ये जो है नेता बताएंगे। अब बीजेपी वाले बोलते हैं चुनाव न होने के पहले कि मैं 80 सीट जीत के आ रहा हूँ, उन्हें कैसे पता कि 80 जीत रहा हूँ? आखिर उनको किस हिसाब से पता है कि मैं 80 सीट जीत के आ रहा हूँ? अच्छा तो चलिए फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जनता है, तमाम जनता का जो ओपिनियन पोल है लगातार बीजेपी के ऊपर तंज कस रही है और लगातार ये कह रही है कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ जो तमाम नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें तो सच्चाई है। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है? गिन्नीलाल गुप्ता। क्या इस बार चुनाव ईवीएम से या बैलेट से? किसी से भी हो क्या दिक्कत है, ईवीएम हो चाहे बैलेट हो जी, हमको कोई प्रॉब्लम? अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ईवीएम से संतुष्ट हैं आप? हाँ सबसे संतुष्ट हैं, ईवीएम हो चाहे बैलेट हो। हाँ हमसे कोई दिक्कत नहीं। तो किसकी सरकार बनाएंगे? किसी की भी बन जाए, कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी बने या सपा बनिए, कोई जरूरी नहीं, किसी की भी सरकार। तमाम लोग कह रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ, हटवा दीजिए ईवीएम, क्या दिक्कत है? पर अभी जो है क्या चुनाव आयोग तो इसकी मंजूरी तो दे नहीं रहा है। अब नहीं देख भाई, उसकी मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, जिसकी जो मर्जी होगी तो क्या करेंगे। तो चुनाव किसी से भी हो संतुष्ट हैं आप? हाँ किसी से भी हो। तो चलिए फिलहाल ये जनता का ओपिनियन पोल था, लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के कटवार में। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चालू है, कहीं ना कहीं ईवीएम के विरोध में तमाम अधिवक्ता से लेकर जनता भी अपना पोल दे रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये कह रही है। पर आपकी क्या राय है एक कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।